संतान की मंगल कामना और सुखी जीवन के लिए महिलाएं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखती है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका या जिमत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला व्रत को पूर्वी उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाई खाई, दूसरे दिन व्रत यानी निर्जला उपवास और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाई खाई के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में व्रती महिलाएं होती है वह नहाई खाई के दिन शाम को पकवान बनाती है, फिर रात होने पर सतपुतिया या झिंगनी नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियार के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया भी कहते हैं और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता महिलाएं इस व्रत में पानी ग्रहण नहीं करती, पारण करके ही अपने व्रत का पालना करती। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह बहुत कठिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी संकट नहीं आता। जीवित पुत्री का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि यह व्रत स्वर्ग से धार चुकी सास को वैकुंठ प्राप्त कराने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधर राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस बार 25 सितंबर बुधवार को जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रहेगा। नहाई खाई 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा। तीसरे दिन 26 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय के बाद नवमी तिथि आरंभ होगी। वैदिक पांचांग के अनुसार जितिया का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत मंगलवार 24 सितंबर को 12:38 पर होगी और अष्टमी तिथि का समापन बुधवार 25 सितंबर को 12:10 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर जितिया व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। 25 सितंबर को जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से 12:12 तक है। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को दीपक और धूप अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से सियाल व चील की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जिमुत वाहन की प्रतिमा की पूजा करें। उन्हें धूप दीप फूल और चावल अर्पित करें तथा जितिया व्रत की कथा सुने। हिंदू धर्म में जितिया व्रत बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए करती। माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने के साथ जो माताएं पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ती है और सुनती है उन्हें कभी भी संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।